भाई साहब, मैं हूं पीयूष मौर्य और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल पर स्कूल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में कैसे मैथ में, देखिए यहाँ पर मैं मैथ का पूरा लेकर आ चुका हूँ आपको, सब सब्जेक्ट मतलब पूरा जो मैथ का है, अभी और सब सब्जेक्ट आएंगे, अभी यहाँ पर बात होगी मैथ की कि मैथ में आप 70 में 70 नंबर कैसे लाएंगे अगर आप बोर्ड परीक्षा में कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक। क्योंकि देखिए आपके पास अभी पूरे पूरे देखिए नवंबर बचा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहां तक समझिए फरवरी तक आपके पास 4 महीने हैं। अगर बोर्ड एग्जाम 1 मार्च से शुरू होता है तो मान लीजिए 15 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू हो सकता है, नहीं तो 15 मार्च से शुरू हो सकता है, नहीं तो अप्रैल से भी। अभी कोई भी क्लियर डेट नहीं है कि बोर्ड एग्जाम कब से शुरू होगा, तो रफली हम मान के चलते हैं कि अभी आपके पास 4 महीने बचे हैं। 4 महीने में किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे, देखिए मैं सब सब्जेक्ट के यहां पर लेकर आऊँ। सबसे पहले यहां पर मैथ हम खोलते हैं, देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। यहाँ पर देखिए सारे चैप्टर हैं, कौन चैप्टर कैसे तैयार करना है, किससे कितने नंबर तैयार होंगे, क्या चीज़ है, कैसे तैयार करना है, हर चीज़ें बताऊँगा। आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, एकदम नोट करते चलिए, जहाँ भी पेन कॉपी है एकदम आप लेकर बैठ के नोट करते चलिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहला माँ जो चैप्टर आता है संख्या पद्धति आता है। संख्या पद्धति में है वास्तविक संख्या, इकाई है हमारी संख्या पद्धति, उसमें है वास्तविक संख्याएं। तो देखिए कौन सा पहले पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा, कैसे पढ़ना है वो बताऊंगा। देखिए आपको संख्या पद्धति पहले नहीं पढ़नी, पहले जो आपको पढ़ना है वो है बीजगणित। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बीजगणित पढ़ने का, क्योंकि देखिए सिर्फ बीजगणित से ही आपके 18 नंबर आएंगे पेपर में, मतलब आप समझ रहे हैं 70 नंबर में 18 नंबर सिर्फ बीजगणित से आ रहा है। तो देखिए बीजगणित आपको सबसे पहला जिसमें कि दो चैप्टर हैं, बीजगणित में दो चैप्टर हैं, आप दो चैप्टर का नाम लिख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, ऐसे करके आप नाम लिखते जाइए, इतना नाम लिखते जाइए। मैं जो जो चैप्टर पहले पहले से बताते जाऊंगा वही वही आपको सीरियल वाइज पढ़ने हैं, तो इससे आपकी बहुत हेल्प मिलेगी पेपर में। अभी मैं आपको बताता हूँ बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, 4 महीने बहुत होते हैं, हाई स्कूल सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। देखिए पहला जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, सबसे पहले आपको तैयार करना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। उसके बाद देखिए जो हमारा है दूसरा है द्विघात समीकरण, तो ये दो चैप्टर तैयार करने जिसके आपको 18 नंबर मिल रहे हैं, सिर्फ दो ही चैप्टर तैयार करने के आपको 18 अंक मिल रहे हैं, तो ये हो गया। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आपको तैयार करना है, और सब देखिए छोड़ दीजिए, उसके बाद जो आता है आपको इकाई सात है हमारी संख्या सांख्यिकी है, हाँ सांख्यिकी। अब देखिए अभी तक क्या था, सांख्यिकी और प्रायिकता, एक प्रायिकता चैप्टर जो कि कट गया है, नहीं है, 30% से हटा दिया गया है, अब आपको डायरेक्ट 11th में देखने को मिलेगा। आपको प्रायिकता पढ़नी है, प्रायिकता 10 नंबर का आएगा केवल एक, सॉरी प्रायिकता नहीं सांख्यिकी, ये प्रायिकता निकल गया, प्रायिकता आपकी 11 में है ना, तो ये नहीं, आपको सांख्यिकी पढ़नी है 10 नंबर की। तो आपका बीजगणित हो गया 18 नंबर का और ये सांख्यिकी हो गई आपकी 10 नंबर की। तो यहाँ तक देखिए इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बाद आपको क्या पढ़ना है। इसके बाद जो आता है एक, एक पे है आपका संख्या पद्धति, संख्या पद्धति जो है वास्तविक संख्या है, उसके बाद आपको पढ़नी है वास्तविक संख्या है 5 नंबर के लिए। अब जैसे ही आप वास्तविक संख्याएँ खत्म करेंगे, अभी कुछ लोग पूछेंगे कि भैया हम ट्रिग्नोमेट्री कब पढ़ेंगे, अभी बताता हूँ आपको, वो बताऊंगा आपको कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी आपको बताऊंगा, कैसे पढ़ना है वो भी आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि हर चीज़ें में। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति उसके बाद पढ़ना है जिसमें आता है रेखा, और निर्देशांक ज्यामिति बहुत बहुत ज़्यादा सरल है, एकदम ईजी है, 5 नंबर के लिए आपसे पूछा जाता है, तो ये चीज़ हो गई। तो टोटली देखिए 18 नंबर और 10, 20, 10, 30, 38 नंबर क्लियर हो गए, और कितने चैप्टर थे, एकदम छोटे छोटे चैप्टर, दो चैप्टर यहां और 3, 4, 5 चैप्टर पढ़ के 38 नंबर, 38 नंबर। तो देखिए सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ने से आपके 38 इधर हो गए, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे, मतलब आपके 68 नंबर सिर्फ दो चैप्टर पढ़ने से हो रहे हैं ना, सिर्फ दो चैप्टर, सॉरी दो नहीं, यहाँ पर 5 चैप्टर, दो यहाँ पर जो बोलते हैं दो चैप्टर इसमें है, बीजगणित में है सिर्फ दो चैप्टर, बीजगणित में सिर्फ दो चैप्टर पढ़ने के आपको 18 नंबर मिल रहे हैं और 5 चैप्टर पढ़ने के 38 नंबर। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है जो आपकी इकाई 4 है त्रिभुज, त्रिभुज आता है ज्यामिति में आएगा त्रिभुज, और इसके बाद आती है रचनाएं जो कि 12 नंबर के लिए, तो ये क्लियर करेंगे। चलिए मैं बता देता हूँ उसके बाद क्या पढ़ना है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे बच्चे पूछे थे, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री और उसके बाद मेंसुरेशन, ये है आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे,
ये जो है इसमें ट्रिग्नोमेट्री मैं इसलिए कह रहा हूं आपको लास्ट में पढ़ने के लिए क्योंकि उसमें काफी ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हार्ड वर्क कुछ नहीं, क्योंकि देखिए तीन चैप्टर हैं आपके, 10 नंबर पाए के लिए आपको तीन चैप्टर पढ़ने हैं, 10 नंबर पाए के लिए तीन चैप्टर पढ़ेंगे, और उसके बाद मेंसुरेशन पढ़ना है, क्योंकि आप मेंसुरेशन पहले मत पढ़िएगा, नहीं तो आप ट्रिग्नोमेट्री बिना पढ़िए अगर मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो अच्छे से आप समझ नहीं पाएंगे। यह एक चीज हो गई 10-10 नंबर के लिए दोनों चीजें, तो 70 नंबर ऐसे आएगा आपका, मैंने जैसे बताया वैसे आपको पढ़ना है, उसे सिक्वेंस में पढ़ना है। चार महीने आप देखिए आप तैयारी कैसे करेंगे, आपकी तैयारी की बताता हूं, आपके चार महीने बचे हैं मतलब 120 दिन भी हम ना माने तो 110 दिन मान लें, चलिए हम मान लेते हैं कि फरवरी पूरा आपका एग्जाम भी निकल जाएगा, जनवरी तक समय लेते हैं तो 90 दिन आता है। अब 90 दिन में देखिए चैप्टर कितने हैं, चैप्टर आपके हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 चैप्टर हैं। अब 12 चैप्टर हैं और 90 दिन वैसे तो हैं आपके पास, 120 दिन मैं 90 सिर्फ मान रहा हूं, तो आप अगर पर डे सिर्फ 1-2 घंटा दीजिए, क्योंकि आपके और भी सब्जेक्ट पढ़ने के रहेंगे, आप 1-2 घंटे दीजिए मैथ के लिए, सिर्फ इतना देंगे तो 90 दिन नहीं, आप सिर्फ 35 दिन में पूरा 35 दिन में मैथ अच्छे से क्लियर कर लेंगे। 70 में 70 नहीं तो 65 पाएंगे, मैं पूरा कोई फेक नहीं रहा हूं, 70 में आप 65 पाएंगे अगर आप अच्छे से करेंगे। देखिए 35 दिन पढ़ना है, उसके बाद क्या स्ट्रेटजी अपनानी वो थोड़ा आपको बताता हूं। उसके बाद एक कॉपी आपको खरीद लेनी रफ 10-15-20 रुपए की, उसमें आपको पूरा रिवीजन कर डालना है, जो भी आपने पढ़ा है उसको पूरा अच्छे से आप उसमें रिवाइज कर डालिएगा, जो भी है क्वेश्चन है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा परफेक्ट बनते जाएंगे, तो आपको वो चीज अच्छे से करनी है, प्रैक्टिस पूरा करना है, लिख लिख के एकदम अच्छे तरीके से पूरा इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि 35 दिन आपका इधर निकल गया, उसके बाद जो आपके 60 दिन बचे हैं 60-70 दिन उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 35 दिन में नहीं कंप्लीट कर पाते 40-45 दिन लगेगा, लेकिन मैंने जैसे बताया है जो चैप्टर पहले पढ़ने वो ही आपको पहले पढ़ने हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर ऐसे ऐसे करके पढ़ना है जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाएं। तो ये तो होगा मैथ का, मैथ मैंने बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि और भी सब्जेक्ट का मैं बताऊं, हिंदी इंग्लिश और भी जो सब्जेक्ट हैं, तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा। और देखिए बहुत सारे लोग कहते थे कि भैया इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा जो चीज़ आप पढ़ाते हैं, तो उसका पीडीएफ आपको वेबसाइट mobilepariskool.com और टेलीग्राम मोबाइल पर स्कूल, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं मोबाइल पर स्कूल, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहां से आपको पीडीएफ इन सभी की डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, 1000 लाइक का इस पर टारगेट रखते हैं, बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की क्लास चंद्र की पूरी तैयारी आपकी इसी पे कराई जा रही, मैं खुद आपकी तैयारी करा रहा हूँ, आप डेली आधे घंटे देकर इस चैनल से पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, क्या टॉपिक चाहिए आपको आगे, कौन सी वीडियो चाहिए, उसके लिए आप कमेंट करिए।